no, 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 no. हाँ यार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। और हाँ भाई, आज हम फिर से हाजिर हैं फैक्ट जोन टीवी के एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, जिसमें आज हम शादियों के कुछ ऐसे ऐसे फनी मोमेंट लेकर हाजिर हैं जिन्हें देख आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। और हाँ भाई, इसकी तो फुल गारंटी है कि ये वीडियो आज आपको खूब हंसाने वाली है, इसलिए यार आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, पक्का आपको काफी मजा ही आ जाएगा। तो यार चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब भाई मिले इस मोहतरमा से, जो शादी में पहुंची जब खाना खाने, तो भैया मोहतरमा ने चिकन के साथ साथ हड्डियों को भी नहीं छोड़ा। नो 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 नो। मतलब भैया लग तो यही रहा है कि मैडम ने शादी में जितना शगुन दिया था, अब वो सारा पैसा वसूल करके ही मानेंगी। अब भाई इसके बाद एक नज़र इस डोंगर मल को देखो, जो बीबी के साथ पहुंच गया इस शादी में, जहां सभी लोग मस्ती में डांस कर रहे थे, पर भैया ये बंदा अपने बीबी को छोड़कर बगल में खड़ी इस लड़की के साथ डांस करना शुरू कर दिया। नो 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 नो। क्यों भाई, मिल गया प्रसाद? नहीं यार, मतलब बगल में बीबी खड़ी है, फिर भी हिम्मत देख रहे हो बंदे की। हालांकि भैया खैर है कि इसने सिर्फ डांस ही किया था, वरना वाइफ तो आज इसका सारा मोटापा ही झाड़ देती। अब भाई इसके बाद एक नज़र इस दूल्हा दुल्हन को भी देखो, जो शादी के मंडप में जयमाल की रस्म पूरी कर रहे थे कि भैया तभी अचानक से दुल्हन के भाइयों ने दुल्हन को ऊपर उठा लिया, जिसे देखकर दूल्हे के दोस्तों ने भी दूल्हे को ऊपर उठा लिया, पर भैया मंडप इतना छोटा निकला कि दूल्हा दुल्हन दोनों छत में चिपक गए। ओह नो। मतलब यार देख रहे हो इनके टैलेंट भाई, जब तुम लोग दूल्हा दुल्हन के सिर को छत में चिपका दिए हो, तो भला वे दोनों शादी कैसे करेंगे? भाई मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये रिश्तेदार शादी करवाने आए हैं कि शादी रोकने। अब भाई इसके बाद एक नज़र उन लड़कों को भी देखो, जो शादियों में पता नहीं किस दौर में रहते हैं कि इनको लगता है कि चाहे वो जैसा भी डांस करें, लड़कियां उनको देखकर फिदाई हो जाएंगी। मतलब यार देख रहे हो इसका टैलेंट भाई, इसको देखकर तो यही लग रहा है कि ये अखाड़े से भागकर सीधे बारात में आया है। अब भाई इसके बाद मिली इस दूल्हे जनाब से, जिनको अपने शादी में बोला गया सिंदूर लगाने को, तो भैया ये दुल्हन की जगह खुद के सिर में सिंदूर लगा डाला। और भाई जब ये ऐसा कर रहा था, तो उस वक्त दुल्हन का रिएक्शन देखने लायक था। मतलब भैया दुल्हन भी सोच रही होगी कि यार ये घर वाले किस घोंचू से मेरी शादी करवा रहे हैं, जिसको इतना भी नहीं पता कि सिंदूर किसको पहनाते हैं। अब भाई इसके बाद आता है भुक्कड़ लोगों की बारी, जो भैया शादियों में खासकर सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि उनको फ्री में अच्छा खाना मिल जाए, जहां इनको दूल्हे दुल्हन से कोई खास लेना देना नहीं होता कि शादी किसकी है क्यों है, बस इनको मतलब होता है सिर्फ खाने से। जैसा कि यहां देख लो कि कैसे ये सभी लोग लगे हुए खाने के छीना झपटी में। नो 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 नो। भैया इनको देखकर खाना बनाने वाला भी यही सोच रहा होगा कि अबे कम से कम कढ़ाई से तो निकलने दो, भैया इनका चले तो ये कढ़ाई ही खा जाए। अब भाई इसके बाद नंबर आता है पैसे लुटाने वालों, जिसमें अक्सर दूल्हे के खास रिश्तेदार अपनी खुशियों को जाहिर करने के लिए बच्चों के बीच में पैसे उड़ाते हैं, ताकि बच्चे उन्हें पकड़ सकें। पर भैया एक बार जरा इस टैलेंटेड बंदे को भी देखो, जो पैसे पकड़ने का एक नायाब जुगाड़ ही लगा डाला। मान गए भैया, इसको देखकर तो पैसे उड़ाने वाला भी घबरा गया होगा कि भैया ये तो आज मुझे कंगाल बनाकर ही छोड़ेगा। अब भाई इसके बाद नंबर आता है उन लड़कियों का, जो शादियों में लोगों का ध्यान खींचने के लिए डीजे पर लग जाती हैं अलग ही डांस करने, और सोचती हैं कि देखती हूँ कि लोग कैसे नहीं देखेंगे।
इन लड़कियों को लगता है कि सिर्फ इनको ही डांस आता है। चाचा कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मतलब भैया हमारे चाचा भी किसी से कम है क्या लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में। खैर वो तो अलग बात है कि इनके उस कुत्ते को डांस की अलग ही खुजली लग गई। खुजली है भाई खुजली है भाई खुजली है, ये इधर भी होती है ये उधर भी होती है। अब भाई इसके बाद आते हैं बैंड बाजा पर नाचने वाले डांसरों की बारी, जो शादी के दिन इतना हाई एक्साइटमेंट में होते हैं कि भैया पूछो ही मत। मतलब भैया पूरी धरती छोड़कर इसको घोड़े की पुंड ही मिली थी डांस करने को। खैर भैया डांस तक तो ठीक था, पर भाई ये मोहतरमा डांस के साथ साथ जंप भी लगा रही हैं। अब भाई इसके बाद मिली एक और दूल्हे से, जो शादी के मंडप में बैठा हुआ था और पंडित जी से दुल्हन को वचन दिलवा रहे थे, जब रूठेगी तो मैं मनाऊंगा। मतलब भैया ये दूल्हा तो पंडित जी पर ही खेल गया कि अगर रूठेगी तो आप मनाएंगे। अभी भाई दूल्हा तुम हो पंडित जी थोड़े ही, अब क्या तुम्हारी वाइफ को पंडित जी बनाएंगे। अब भाई इसके बाद आते हैं इस तरह के बंदे, जो दोस्त की शादी में डांस की फुल जिम्मेदारी खुद के सिर पर ले लेते हैं और लग जाते हैं कुछ इस तरह के डांस करने। अरे रुक जा भाई रुक जा, क्या अब नागमणि लेकर ही मानेगा। अब भाई इसके बाद आते हैं कुछ इस तरह के दूल्हे, जिन्हें पूरी लाइफ में तो किसी लड़की ने भाव नहीं दिया और फिर शादी में अचानक इनको सुंदर बेबी मिल जाती है, जिसके बाद तो भैया उनकी हरकत देखने लायक होती है, जैसा कि अब इन्हें ही देख लो। नो 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 नो। मतलब भैया इसकी नजर इस पर से हट ही नहीं रही है। अरे भाई थोड़ा सब्र तो कर ले, तेरी बीवी है, घर पहुंचकर अच्छे से देख लेना। अब भाई इसके बाद एक नजर इस ताऊ को भी देखो, जो शादी में डीजे पर झूम झूम के नाच रहे थे कि भैया तभी अचानक से इनकी वाइफ डंडा लेकर आई, जिसके बाद तो भैया ताऊ अपनी धोती उठाकर भागने लगे। भागो ताऊ भागो, वरना आंटी पकड़ लेंगी तो आज सारा डांस निकाल कर ही मानेंगी। नो 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 नो। भाई साहब कमाल है, भैया इसे ही कहते हैं बीबी का खौफ, जो बुढ़ापे में भी साथ नहीं छोड़ती। तो हाँ यार, कैसे लगी ये वीडियो? उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और हाँ, यदि इस वीडियो का एक और पार्ट चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर बताएं, और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दे। और हाँ, ऐसे और मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।